नया पिल्सबरी कुकी केक। इसमें है चोको चिप्स और चोको ड्रिजल और चोको केक। अब होगा मुंह में धमाकेदार एंटरटेनमेंट। नया पिल्सबरी कुकी केक। हिमाचल के बिलासपुर में पीएम मोदी द्वारा की गई रैली अब कांग्रेस के निशाने पर है। हमीरपुर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने पीएम मोदी की रैली को चुनावी स्टंट करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर की गई टिप्पणी के बाद दोनों राजनीतिक दलों में वाक युद्ध शुरू हो गया। एक और जहां भाजपा इसे सही ठहरा रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के नेता प्रधानमंत्री को पद की मर्यादा में रहकर बयान देने की बात कह रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो आज बिलासपुर में रैली हो रही है, वो एक तरह से असफल रही। और आज ही क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि उनको हिमाचल प्रदेश में एम्स की आधारशिला रखने के लिए आना पड़ा। आज जब विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं और ये एक चुनावी स्टंट कह सकता है कि हिमाचल की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और जहाँ तक एम्स की बात है, चाहे एम्स है, चाहे आईआईटी, चाहे आईआईएम, जब यूपीए की सरकार केंद्र में थी और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो उसमें ही ये इसकी घोषणा की गई थी कि पूरे देश में हर प्रदेश के अंदर आईआईटी, आईआईएम और एम्स का खोले जाएंगे। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ना तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, ना तो महंगाई कम की। उल्टा आज आप देखेंगे कि चाहे डीजल के दाम है, चाहे पेट्रोल के दाम है, चाहे गैसों के दाम है, आज चरम सीमा पर हैं। और आज आम जनता जो है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है कि रोजगार के नाम पर, महंगाई के नाम पर। और 3 वर्ष के कार्यकाल में सिर्फ भाजपा की केंद्र की सरकार ने घोषणाएँ की हैं और उसके अलावा कुछ भी ऐसा आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए नहीं किया है। और हिमाचल प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार 2017 में रिपीट होगी। भाजपा के इन जो चुनावी स्टंट हैं और ये जो घोषणाएं हैं, ये मात्र कोरी हैं और जो हिमाचल की जनता है आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब जरूर देगी। मुख्यमंत्री से लेकर कई लोग उनकी पार्टी में जमानत पर हैं। ऐसी सरकार जिसने प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की हत्या करके पेड़ों पर लटका दिया जाता है, बेटियों के साथ बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है, युवाओं को नशे के कारण मौत के घाट उतार दिया जाता है, छोटे बच्चों का अपहरण करके हत्या कर दी जाती है, ये हिमाचल प्रदेश हमारा कभी नहीं था। ये 5 वर्षों में कांग्रेस ने बनाया है और एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री जमानत पर होकर प्रदेश का नाम और भी खराब कर रहे हैं। नया पिल्सबरी कुकी केक, इसमें है चोको चिप्स और चोको ड्रिजल और चोको केक। अब होगा मुंह में धमाकेदार एंटरटेनमेंट। नया पिल्सबरी कुकी केक, आपके मुंह का एंटरटेनमेंट।